अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बरोज़ हफ्ता बमकाम अल कुरैश फंक्शन हॉल मिजगोरी रोड एक अज़ीमुश्शान जलसा बउनवान याद फ़ख्र मिल्लत महमूद अहमद साबिक़ मेयर के लिए रखा गया है। ये अज़ीमुश्शान इजलास महमूद अहमद मेमोरियल एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से रखा जा रहा है। महमूद अहमद साहब मेरे वालिद मरहूम गुलबर्गा शहर के पहले मुस्लिम मेयर रहे और 1972 के फसादात के बाद जो इस शहर में इनकलाब बरपा हुआ, खौफ व हरास का माहौल ख़त्म हुआ, उसकी बुनियाद डालने वाली शख्सियत हैं और खमरुल इस्लाम साहब के मजबूत तरीन और एक काबिल एतमाद साथी और दोस्त रहे। उनके ताल्लुक से ये जलसा रखा जा रहा है। उनकी क्या शख्सियत रही गुलबर्गा शहर के लिए, उनके क्या खिदमात रहे, वो इनकलाब में उनका क्या किरदार रहा, ये तमाम तर बातों को अवामुन्नास तक पहुंचाने के लिए जो उस दौर के लोग हैं वो लोग तो बखूबी जानते हैं कि मेरे वालिद मोहतरम ने क्या क्या खिदमात अंजाम दिए हैं, लेकिन नई नस्ल इससे वाकिफ़ नहीं है। मैं इसीलिए मेरे तमाम तर नौजवान साथियों से, नौजवान दोस्तों से ये गुजारिश करता हूँ कि आज के इस इजलास में आप लोग शिरकत करें। ये इजलास में मेहमान खुसूसी की हैसियत से हज़रत हिदायतुल्लाह खादरी साहब सज्जादा नशीन बारगाह इमली महल्ला, अलहाज नासिर हुसैन उस्ताद साहब जनता दल सेकुलर कोर कमेटी मेंबर और मोहतरम सैयद हसन शाह खादरी साहब बिरादर सज्जादा नशीन खादरी चमन शिरकत कर रहे हैं। इस इजलास की सदारत डॉक्टर असलम सईद साहब करेंगे और मुखररीन में इखान एक्सप्रेस उर्दू डेली के चीफ़ एडिटर जनाब हामिद अकमल साहब और रईसुल खुतबा मौलाना अब्दुल हकीम विकार अशरफी साहब, जनाब अब्दुल हमीद डाबर साहब जो मेरे वालिद मोहतरम के बहुत अजीज़ दोस्तों में से हैं, वो इस इजलास में शिरकत करेंगे और इनके साथ साथ बिलखसूस जनाब अजीज़ुल्ला सरमद साहब एडिटर बहमनी न्यूज़ उर्दू डेली वो शिरकत करेंगे। और इस इजलास के बाद अजीज़ुल्ला सरमद साहब की ज़ेर निगरानी एक महफिल नात का भी इनेकाद हो रहा है। आप तमाम गुलबर्गा शहर के लोगों से मेरी ये इल्तमास है कि आप लोग इस इजलास में ज़रूर शिरकत करें। ये इजलास आज अल कुरैश फंक्शन हॉल में बवक्त 8 बजे मुनक़िद हो रहा है और इस इजलास के बाद महफिल नात का भी इनेकाद हो रहा है, तो आप तमाम तर लोग इस इजलास में ज़रूर बज़रूर शिरकत करें। अस्सलामु अलैकुम।